बीजेपी या सपा, किसका साथ देगी राजा भैया की पार्टी? राजा भैया ने कर दिया बड़ा ऐलान। राजा भैया के इस फैसले से अखिलेश को मिल गया संदेश। राजा भैया ने अपनी दोस्ती अखिलेश के सामने साबित कर दी। राजा भैया के इस फैसले ने बता दिया, कुंडा का राजा तो अपने ही मन का करता है, एक बार फैसला ले लिया तो बस ले लिया। सर एक सवाल और आखिरी, क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा? राजा भैया और धनंजय सिंह, आखिर क्या कॉमन है इन दोनों नेताओं में? तारीख 14 मई से क्या रिश्ता है दोनों बाहुबली नेताओं का? अब इसे संयोग कहिए या फिर प्रयोग, पर दोनों नेताओं ने इसी दिन अपने करीबी लोगों की बैठक बुलाई। धनंजय सिंह ने जौनपुर में अपने घर पर मीटिंग बुलाई। राजा भैया ने प्रतापगढ़ में अपने बेंती पैलेस पर जनसत्ता दल के नेताओं की बैठक बुलाई थी। दोनों नेता इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। इसके आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। अब उस बैठक के बाद राजा भैया ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया, जिससे जान बीजेपी के रणनीतिकार तो हैरान होंगे। न जाने राजा भैया को मनाने के लिए क्या से क्या जतन किए थे, उन प्रयासों के सामने भी राजा भैया का दिल नहीं पिघला। राजा भैया के इस फैसले से कम 3 सीटों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी हां, राजा भैया ने अपना ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का रुख इस लोकसभा चुनाव में किसके साथ किस तरह का होगा वो साफ साफ बता दिया। राजा भैया ने जो फैसला लिया उससे साफ हो गया कि उन्होंने अखिलेश की राजनीति की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। राजा भैया का यह फैसला बिल्कुल ही अलग तरीके का है। राजा भैया अलग ही संदेश देने के मूड में हैं। शायद राजा भैया से अखिलेश के बने रिश्ते अमित शाह की कोशिशों पर भारी पड़ गए। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए हम जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भले ही छठे चरण में मतदान होना है, लेकिन यहां सियासी पारा भी सिहाई है। यहां की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने लोकसभा को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। इस लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने किसी भी पार्टी को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं मुड़ चुके, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं को से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें जिसको पसंद करें आप। ना हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी, पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो वो दें। राजा भैया कह रहे हैं, जिस दल के प्रत्याशी को आप कसौटी पर खरा पाते हो उसको वोट दें, स्वतंत्र रूप से जिस प्रत्याशी को पसंद करें वोट करें। कुंडा में राजा भैया अपनी पार्टी के समर्थक नेताओं कार्यकर्ताओं से वोट देने की अपील करते नजर आए। राजा भैया कह रहे हैं, नोटा नहीं बल्कि वोट दें सभी। बता दें कि 14 मई को राजा भैया ने प्रतापगढ़ में अपने बेंती पैलेस पर जनसत्ता दल के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में राजा भैया ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो किसी भी पार्टी को वोटिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं। राजा भैया ने कहा कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जो लगे वो फैसला ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने, और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना वो स्वतंत्र है, वहां कर लेंगे। भाजपा संजीव बलियान और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, और प्रत्याशी दोनों आए थे, और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी,
कि हम लोग क्या करेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से भाजपा के प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद विनोद सोनकर राजा भैया का समर्थन हासिल करने के लिए उनके कुंडा स्थित बैंती पैलेस पर पहुंचे थे। सांसद विनोद सोनकर लगातार तीसरी बार कौशाम्बी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राजा भैया के प्रभाव वाला कुंडा इलाका इसी कौशाम्बी लोकसभा सीट में आता है। हालांकि अपने प्रभाव वाले इलाके में दो दिन पहले हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में राजा भैया शामिल नहीं हुए थे। बीते दिनों बेंगलुरु में राजा भैया की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कयास जा रहे थे कि राजा भैया प्रतापगढ़ और खासकर कौशाम्बी सीट पर भाजपा के समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। वहीं अब राजा भैया जनसत्ता दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अपने विवेक से, अपने मन से किसी भी पार्टी को वोट करने का मैसेज कर रहे हैं।